आप अपना लैपटॉप घंटों चलाते हो, उसको सही से कूलिंग करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिब्रोनिक्स का NC3300 लैपटॉप कूलिंग पैड। पहले इसका फीचर्स थोड़ा देख लेते हैं। USB पावर्ड, लाइट वेट, 15.6 लैपटॉप आराम से इसमें आ जाएगा। ड्यूअल USB पोर्ट है और 120mm का दो फैन है साइलेंट वाला, और इसका स्टैंड है ब्लू LED लाइट और 75 CFM एयर फ्लो और डिटैचेबल USB केबल। यहाँ देखिए जो जो फीचर्स आगे लिखा हुआ है वही ये पीछे भी लिखा हुआ है। और ये देखिए स्टैंड का फ़ोटो, ड्यूअल USB पोर्ट का फ़ोटो और 120mm ब्लू लाइट के साथ दो फैन का फ़ोटो, और यहाँ इसका फीचर्स कुछ दिया हुआ है और प्राइस वगैरह भी लिखा हुआ है इसका MRP। तो चलिए अभी कूलिंग पैड को बाहर निकालते हैं पैकेट से। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने डबल फैन वाला जो कूलिंग पैड है जिब्रोनिक्स का वो बाहर निकाल लिया। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक USB केबल और ये कूलिंग पैड है और ये लॉक टाइप है, तो आप इसे उठाओगे तो लैपटॉप यहाँ स्टैंड हो जाएगा, लैपटॉप वो नीचे की तरफ गिरेगा नहीं। हाँ, ये तीर का जो निशान है वो ऊपर आएगा। और ये डबल फैन है इसमें और जिब्रोनिक्स लिखा हुआ है लोगो, और ये दो फैन, ब्लू लाइट भी जलता है इसमें। और मैं आपको पीछे की तरफ थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए एयर पास होने के लिए कितना जगह है। और ये स्टैंड है, आपको इसको उठा के ऐसे रखना है, और इसमें ग्रिपर भी बहुत ही अच्छा है, टेबल पे आप रखोगे तो ये स्टैंड हिलेगा भी नहीं। और ये यहाँ उसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, और पीछे की साइड ये दो USB दिया हुआ है, एक USB से आप वो फ़ैन चलाओ और वही USB को USB से आप कीबोर्ड माउस वगैरह चला सकते हो, वो मैं दिखा दूँगा। तो अब हम लोग इसे पावर देते हैं। चलिए, USB केबल भी काफ़ी अच्छा खासा लंबा है, तो ये लगा दिए, नहीं ये उल्टा हो रहा है, हाँ ये सीधा ओके लगा दिए। और इसमें पावर देके देखेंगे कैसे LED जलता है और फैन कैसे घूमता है। ये USB केबल का दूसरा हिस्सा, लैपटॉप से पावर दे दिए, और देखिए यहाँ फ़ैन भी ऑन हो गया है और LED लाइट अच्छा खासा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फ़ैन चलते वक्त आपको बहुत ज़्यादा हवा लगेगा अपने हाथों पर, लेकिन जब ये फ़ैन कंटिन्यूसली चलेगा तो लैपटॉप वो आराम से ठंडा रख पाएगा। सो फ्रेंड्स, जिब्रोनिक्स NC3300 की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये उतना हेवी नहीं है कि आप कैरी नहीं कर पाओ, आप अच्छे से अपने बैग में कैरी कर पाओगे। और एक और बात, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे हेवी कुछ मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, आपके लैपटॉप के लिए बढ़िया है, उतना कुछ अभी लैपटॉप हेवी भी नहीं आ रहा है कि ये टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इस प्राइस के रेंज में, मतलब मेरे हिसाब से आप ये यूज़ कर पाओगे अच्छे से ही। अभी हम लोग लैपटॉप को इस कूलिंग पैड के ऊपर रखेंगे तो कैसे सेट हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 15.6 लैपटॉप है और ये जो दो लॉक है, देखिए यहाँ अटक गया है, वो नीचे की तरफ आएगा नहीं, वो फिक्स हो जाएगा। पीछे की तरफ देख लो दोस्तों, दो स्टैंड है और इसके लिए ही ये कूलिंग सिस्टम अच्छा होता है, और आपको टेबल पे रख के काम करने में भी आसान होता है। अब ये जो एक एक्स्ट्रा USB दिया हुआ है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो जब आप ये कूलिंग पैड चलाते हो तो जो लैपटॉप का एक USB वो एक्वायर कर लेता है, और इसके लिए ये जो USB दिया हुआ है इसमें आप कीबोर्ड माउस वगैरह इसमें आराम से यूज़ कर सकते हो। देखो, ये मैंने वो USB माउस का USB कनेक्टर लगा दिए, और मैं आपको दिखाता हूँ कि माउस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा घुमा लेते हैं इसको। हाँ, तो ये माउस है और मैं इसको, ये देखो पॉइंटर हिल रहा है। तो ये जो USB पोर्ट है, आप इसमें से कीबोर्ड माउस वगैरह सब कुछ चला सकते हो आराम से। अब मैं आपको, वो तो था 15.6, अब मैं आपको 14 इंच का एक लैपटॉप दिखाता हूँ। 14 इंच का आप इसमें लैपटॉप यूज़ करोगे वो भी रह जाएगा, और वो भी अच्छे से सेट होता है, और जगह लेफ्ट और राइट साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। मतलब आप ये जो NC3300 है डबल फैन वाला जिब्रोनिक्स का,
आप इसमें 15.6, 14 इंच जो भी हो आपके पास लैपटॉप दोनों ही यूज़ कर पाओगे अच्छे से। तो और बात फ्रेंड्स, आप अगर सोच रहे हो कि ये जो डबल फैन है इसमें अगर आप हवा चेक करने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब कि तूफान जैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हवा धीरे से ही है, लेकिन ये जब भी आप लैपटॉप यूज़ करोगे कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो आपके लैपटॉप को उतना गर्म होने ही नहीं देगा ताकि वो ठंडा ना कर पाए। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, अगर आप इसको यूज़ करोगे, कंटिन्यूसली यूज़ करोगे, जब लैपटॉप जब भी चलाओगे तभी कूलिंग पैड के साथ यूज़ करोगे, तो यह घंटों चलने के बाद भी लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।